मधुरिमा में आज बहुत ही मधुर से राग की बात करेंगे हम, और इन बातों को आपके साथ करूंगी आप ही की दोस्त मैं यानी रूपा धवन। नमस्कार। वो राग जिसे आपके लिए चुनकर लाई हूं, समेट कर लाई हूं उन गीतों को आपके लिए, वो राग है राग मधुवंती। जैसा नाम वैसा ही इसका कार्य। बातें करेंगे और भी इस खूबसूरत से प्यारे से मीठे से राग की, पर जानने के लिए आप जुड़े रहिए। इस राग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं मैं, तो जुड़े रहिए इसी तरह आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 पर।
राग मधुवंती की जाति औड़व संपूर्ण है। थाट तोड़ी आरोह में ऋषभ व धैवत वर्जित हैं, गंधार कोमल और मध्यम तीव्र और शेष सभी स्वर शुद्ध कहलाते हैं। सुनते हैं इसी राग पर आधारित एक और गीत आप सभी के लिए लता जी की आवाज में। Thank you.
बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों न ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। विवेकानंद स्कूल की खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट mygov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 12 जनवरी 2024 तक एक्टिव रहेगा। व्यक्ति का जब दुख, चिंता, विकृति और निराशा जब चरम सीमा पर होती है तो राग मधुवंती के गायन वादन अथवा श्रवण के सेवन से उसे अवश्य शांति मिलती है। इस राग के स्वर पीड़ित की असामान्य जो स्थिति होती है उसे बर्फ की तरह शीतल आंच से धीरे धीरे पिघला देते हैं और उसे अलग सी शांति मिलती है। सुनते हैं इसी राग पर आधारित एक और गीत जिसे हमने लिया है सांझ और सवेरा से। अखियन द्वार नाए तो से मिलन की आस बिजाए। नींद भी अखियन द्वार नाए तो से मिलन की आस बिजाए। आए बहार खिले फुलवा, सपने कौन सजाए। बदरा गरवा लगाए, चांद को बदरा गरवा लगाए और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा,
जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं आज राग मधुवंती की। इस राग के वादी संवादी और गायन वादन समय में विरोधाभास है। वादी संवादी की दृष्टि से ये उत्तरांग प्रधान राग है, किंतु गायन समय की दृष्टि से ये पूर्वांग प्रधान राग है। इस राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह के स्वरों में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग कर लिया जाता है। दक्षिण भारत संगीत में इस राग मधुवंती धर्मावती मेल के उपयुक्त है। कुछ विद्वान इसे राग अंबिका के नाम से भी पुकारते हैं। राग मधुवंती सारंग और मधमात सारंग दोनों ही नाम काफी एक से लगते हैं। राग सारंग की अगर बात करें तो राग सारंग के कई रूप हैं, जैसे सग सारंग, मधमात सारंग और गौर सारंग आदि। मधुमाधवी सारंग राग, जिसे मधमात सारंग भी कहा जाता है, यहां अगर हम बात करें संगीतकार एसएन त्रिपाठी की, तो इनका शुमार उन प्रतिभाशाली संगीतकारों में होता है जिन्होंने राग रागनियों का व्यापक इस्तेमाल अपने गीत संगीत में किया है। विभिन्न प्रकार की फिल्मों में असरदार संगीत देकर फिल्मों को एसएन त्रिपाठी जी ने एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया। त्रिपाठी जी ने अपने समय में फिल्म रानी रूपमती के एक गीत को अमर बना दिया अपने संगीत के द्वारा। ये गीत त्रिपाठी जी के सबसे करियर का सबसे लोकप्रिय और कामयाब गीत तो है ही, साथ ही मुकेश के गीतों में भी इस गीत को एक ऊंची जगह दी जाती है। गीतकार थे भरत व्यास, फिल्म रानी रूपमती और स्वर मुकेश जी का। सुनते हैं राग मधुमाधवी सारंग पर ये गीत। लौट के आ लौट के आ लौट के आ लौट के आ जा मेरे मीत, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आ जा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो
सजन अब तो मुकड़ा दिखा जा, तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे मी। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला, ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौटे आजा मेरे मी। माना जाता है कि राग सारंग का नाम 14वीं शताब्दी के संगीतज्ञ सारंग देव के नाम पर पड़ा था। सारंग राग के भी कई रूप हैं। दिन के मध्य भाग में गाया जाने वाला भाग बहुत ही शांत और कर्णप्रिय राग कहलाता है। रागमाला में सारंग को सिरी राग का पुत्र माना जाता है। ये राग दोपहर के समय गाया जाने वाला राग है, इसलिए जाहिर है ये राग श्रोताओं को एक सुकून और शांति प्रदान कराता है। सपेरे लोग भी इसी राग का प्रयोग करते हैं बीन बजाते समय, जब सांप उनकी धुन पर फन लहराकर नाचता हुआ प्रतीत होता है। संगीत में हम विदुषी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक छोटी सी कोशिश आपके सामने एक मीठा राग लाने की और उन दोनों रागों पर कुछ मधुर और मीठे गीत सुनाने की। कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सुनते हैं राग मधुमात पर ही एक और गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अखियों की झरोखों से। मन में तुम ही मुस्काए,
इसी के साथ रूपा विदा लेती है कार्यक्रम मधुरिमा से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। नमस्कार।